दूसरा मसला जो अमूमन गाय को पेश आ सकता है वो चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो दूसरी गाय हो, मतलब हर किस्म के जानवर को जो कि ओझड़ी वाला जानवर है जो रूमिनेंट है उसके अंदर जो दूसरा बड़ा मसला है जो आ सकता है जिससे जानवर की अचानक मौत वाक़या भी हो सकती है वो है ब्लॉट। ब्लॉट यानी इसे आमतौर पर उपहारा कहा जाता है। इसकी वजह गैसों का जो कि चारे के हाजमे के दौरान ओझड़ी के अंदर या उसके रोमेन के अंदर पैदा होती हैं वो गैसें उनका अखराज नहीं हो सकता, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, मतलब उसका जो उसकी जो नाली है जिससे खुराक जो है वो मतलब वो अंदर लेके जाता है वो बंद हो गई। तो गैसेस का अखराज, चूँकि ज़्यादातर गैसेस का अखराज मुंह के ज़रिए होता है, अगर वो नाली बंद हो गई उसके आगे कोई चीज़ आ गई जैसे कोई जानवर ने कोई बड़ी चीज़ खा ली, कोई शलजम खा लिया, कोई आलू खा लिया, इस तरह की कोई साबित चीज़ आगे ले गया तो उससे वो नाली बंद हो गई। अब उन जो गैसेज हैं वो बंद रही हैं, वो रेगुलर बन रही हैं लेकिन उनका अखराज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो है वो गैसें अंदर ज़्यादा जमा हो जाएंगी। वो गैसें जमा हो गई तो उससे जानवर का पेट जो है वो फूल जाएगा, इसे हम उपहारा कहते हैं, और इसकी वजह से जानवर जो है वो उसकी सांस लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है, जानवर कुछ खाता पीता नहीं है, इसकी वजह से अचानक जो है वो जानवर की मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये बहुत ही जो है वो अहम बीमारी है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हमें थोड़ा सा वक्त जो है वो मिलता है जानवर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इसको हम आसानी से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बुखारे की वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो ताज़ा सब्ज़ चारा सर्दियों के अंदर जिस तरह होता है जिसके ऊपर ओस भी पड़ी होती है और उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, बरसीम की तरह के चारे जो हैं वो सबसे बड़ी वजह होते हैं इसकी बुखारे की। उसके अलावा जो जल्दी जल्दी हज़म हो सकते हैं जो जो चीज़ें जिस तरह फ्रूट का वेस्ट हो सकता है, जिस तरह किन्नू का वेस्ट हो गया, जिस तरह आलू हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी हज़म होती हैं, जितनी जल्दी हज़म होती हैं उतनी तेज़ी से जो गैसेज हैं वो बनती हैं, तो ये उखारे की बड़ी वजह हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ जहरीले पौधे हो सकते हैं, उसकी जो नाली है जिसके ज़रिए से चारा आगे जाना है खुराक आगे जानी है वो बंद हो गई है, उसके अलावा टेटनस की तरह की कोई बीमारी है जिससे वो सांस नहीं ले सकता, ये उखारे की बड़ी वजह हो सकती हैं। अब दूसरी बीमारियों की तरह इसकी भी कुछ निशानियाँ हैं, इसमें जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि जो जानवर का पेट है वो अगर जानवर के पिछली साइड पे खड़े हों तो उसकी जो लेफ़्ट साइड है जो बायां बाई तरफ है वो फूल जाएगी, वो ऐसे क्लियर पता चलेगा कि ये फूली हुई है। अगर जानवर के सामने खड़े हों तो उसका दाई साइड जो है वो पसलियों के ऊपर वाली दाई साइड वहाँ से उसका पेट जो है वो फूला होगा, जानवर खाना पीना बंद कर देगा, जो सांस है सांस लेने में उसे दुश्वारी पेश आएगी, मुश्किल से सांस लेगा, चूँकि पेट फूल चुका है फेफड़ों को ज़्यादा जगह नहीं मिल रही सांस लेने के लिए तो उसका सांस जो है वो मुश्किल से आएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके नाक से या मुंह से जो सब्ज़ रंग का जो मादा वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो चूँकि उसके ओझड़ी के अंदर से उसके रूमेन के अंदर से बाहर आता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये देख के कि शायद ये कोई जहर है या कोई इस तरह की चीज़ है। दूसरा ये है कि जानवर जो है वो अपने जो है वो पेट के ऊपर या साइडों पे जो है वो अपनी टांगों को मारना शुरू कर देगा, चूँकि जानवर मुश्किल में है इस वजह से ये जानवर का ये बिहेवियर देखने में आता है, और फिर उसके बाद जानवर बैठ जाएगा गिर जाएगा, और उसके अलावा मतलब गिर के भी ये टांगे मार सकता है, उसके अलावा जो है वो जानवर एक साइड पे लेटेगा और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा कर देगा। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन काफ़ी देर चलती रहे तो फिर जानवर मर भी सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो कुछ दवाएं मिलती हैं जो कि उखारे को ख़त्म करती हैं, वो हो सकती है या कोई ऑयल हो सकता है, कोई तेल दे दें आप, कोई खाने वाला तेल,
तो इसमें यह है कि जानवर को जो है वो कुछ घंटे के लिए खुराक ना दें, उसे भगाएं और उसे हिलाएं जुलाएं ताकि जो गैसेस का इखराज है वो हो सके। उसके बाद मेडिसिन जो है वो दवाई खिला के उसके पेट को अच्छी तरह से मलें ताकि वो जो गैसेस हैं या जो मेडिसिन है वो अच्छी तरह उसके पेट के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आप रोज़ाना 2 से 3 दिन जो है वो दवाई यूज़ करें, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या तेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जानवर खुराक नहीं खा रहा, उसे बांधें, उसके मुंह के अंदर से रस्सी गुजारें ताकि वो रस्सी को चबाए और उसके मुंह के अंदर जो है वो दवाई को इंजेक्ट कर दें, जिसे अमूमन बेल्चिंग भी कहते हैं। एक इंजेक्शन वो बेल्चिंग वाला बड़ा सा मिलता है, ठीक है, उसके ज़रिए से आप उसके जानवर के मुंह के अंदर जो है वो दवाई या तेल या जो कुछ भी है वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर जानवर जो है वो क्रिटिकल स्टेज की तरफ जा रहा है, जानवर को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है, तो उसकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट में ये है कि आप जो है वो जो है ट्रोकार एंड कनोला, उसे कहते हैं, चाकू होता है और एक पाइप सा होता है लोहे का बना, वो अगर मौजूद है, अगर नहीं है तो आप कोई भी छुरी या इस तरह की नुकीली चीज़ ले सकते हैं जो उसके जो है ओजड़ी के अंदर और उसकी खाल के अंदर से गुजर जाए आसानी से, और एक पाइप नुमा चीज़ जो है वो उसके अंदर आपने डालनी है ताकि गैस जो है वो रेगुलर उसका अखराज हो सके। तो उसमें ये है कि जो पसलियों के ऊपर वाली साइड है जहाँ पे अमूमन जो घड़ा सा बना होता है पहले, लेकिन उस वक्त जो है वो फूला होगा, दूसरी साइड पे आप वो घड़ा देख सकते हैं, उस घड़े के अंदर आपने वो सुराख करना है और ताकि वहाँ से गैसेस जो हैं वो फौरन बाहर निकल सकें और जानवर आसानी से सांस ले सके। तो आपने वो घुसा के उसके अंदर वो पाइप, ताकि उसका मुंह खुला रहे जहाँ पे आपने ज़ख़म किया, तो वहाँ से फिर उस पाइप के ज़रिए या उस कैनोला के ज़रिए आपने जो है वो मेडिसिन भी दे सकते हैं। आप उसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि जो गैसेस हैं उनका खराज जल्दी से हो सके और मज़ीद गैसेस बननी जो हैं वो कम हो जाए या बंद हो जाए। उसके अलावा आपने उसके पेट को ज़ोर से दबाना है ताकि जल्द अज़ जल्द गैसेस बाहर निकलें और जानवर को कुछ सुकून मिल सके। जब गैसेस का इखराज हो जाए तो उसके बाद आपने जब वो पाइप या ट्रोकार एंड कैनोला उसके अंदर से निकालना है, तो वो ज़ख़म जो है वो जो सुराख था वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, खुद ब खुद उसकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके ऊपर मक्खियाँ ना बैठें। उसके लिए आप कोई ग्रीस जो है जिससे जिसके ऊपर मक्खियाँ ना आए वो लगा सकते हैं, उसके बाद कोई स्प्रे कर सकते हैं एंटीबायोटिक का, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें ताकि ज़ख़म ख़राब ना हो। बातें हैं जिन्हें हम अगर जिन पर अमल करें तो हम जानवर को बुखारे से बचा सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के अंदर इस तरह के चारागाह ज़्यादा होते हैं जिनसे उपहारा हो सकता है, जैसे बरसीम है, बरसन है या लूसन वगैरह, इस तरह की जिसके अंदर मॉइस्चर बहुत नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर भी जो है ओस वगैरह पड़ी होती है। तो हमने इस तरह के अगर चारागाह खिलाने हैं तो उसके साथ सूखा या उसके साथ जो फाइबर डाइट है, जिस तरह गंदम की तूड़ी है या इस तरह की जो खुश्क चारा जात हैं वो साथ खिला सकते हैं। उसके अलावा आपने जब इन्हें इस तरह के चारे खिलाने हैं तो उससे पहले आप उसे पानी ना पिलाएं, इससे भी बचा जा सकता है उखारे से। उसके बाद सुबह सवेरे जो है वो अगर आप चराई के लिए जानवर को ले के जाते हैं या फिर वैसे आप चारा डालते हैं, तो सुबह सवेरे उसे जब उसके ऊपर नमी ज़्यादा होती है उस वक्त वाला चारा बिल्कुल ना खिलाएं। और उसके बाद अगर आपने जानवर को दूसरे चारे से बरसीम तरह के चारे की तरफ ले के जाना है तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता जानवर को अडॉप्ट करने का कुछ मौका दें, आहिस्ता आहिस्ता उसको उस चारे से दूसरे चारे की तरफ लेके जाएं ताकि अचानक वो चारा खिलाने से जो है वो उखारा ना हो, ठीक है। कोई भी फीड अगर आपने चेंज करनी है, कोई भी फीड तब्दील करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे तब्दील करें।